हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सब। मैं आंचल आप सबका स्वागत करती हूँ अपने आंचल लाइव ब्लॉग में। गाइस, आज है संडे और आज हम लोगों ने फिर से एक प्लान किया है। सोचा कि आज कुछ नए नए चीज़ों को एक्सप्लोर करूँ आप लोगों के सामने में। तो अभी हम लोग प्लान तो बहुत कुछ है पर मैं बताऊँगी नहीं, ये थोड़ा सस्पेंस रहने देते हैं। जैसे जैसे हम आगे जाएंगे वैसे वैसे मैं बताते जाऊँगी। और फिलहाल अभी हम यहाँ नाश्ते के लिए रुके हैं। ये आपका सोनारी जो मेरिन ड्राइव है नया पुल, उसके जस्ट बाद में ही एक छोटा सा ढाबा या रेस्टोरेंट बोल सकते हैं। तो यहीं पे अभी हम लोग कुछ नाश्ता करेंगे, उसके बाद निकलेंगे। तो जैसे मैं निकलती हूँ और जहाँ जहाँ जाती हूँ मैं आप लोगों को अपडेट देती जाती हूँ। देखिए, यहाँ पे दो लोग और हैं। तो ठीक है गाइज, अब मिलती हूँ मैं आप लोगों को रास्ते में, व्यू दिखाते हुए ले जाती हूँ और उसके बाद में जैसा होता मैं आप लोगों से बात करती हूँ। हाँ तो गाइस, वीडियो को शुरू करने से पहले आप जल्दी जल्दी से मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, लाइक करो और शेयर करो। गाइस, आज बहुत कुछ आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा यहाँ पे। और आज आप लोगों के लिए मैंने अच्छी तरह से एक्सप्लोर किया है। वैसे ये पार्ट वन है, पार्ट टू भी आएगा, पर पहले आप इसे एंजॉय कीजिए। अजनु सा जीने में, अजनु अजनु सा सीने में, एक जुनू एक दीवानगी, हर तरफ हर तरफ बेखुदी बेखुदी बेखुदी, हर तरफ हर तरफ कहे हल्के हल्के ये रंग, झलके झलके जो किससे है कल के भुला दे, कोई हौले हौले मेरे दिल से बोले, किसी का दोले चल जाने दे कोई जादू, जिसको मजा है ले ले माँ, रमैलो कालियो डाली, कस्तो मजा है ले ले माँ, रमैलो ना मैं समझा ना मैं जाना, जो भी तुमने मुझसे कहा है सेनोरिता, मगर फिर भी ना जाने क्यों मुझे सुन के अच्छा लगा है सेनोरिता। नो देवी अल्लाह मीरा दा केदा ते सरदारा मी, मुझको बाहों में तुम घेरो, समझी ना। हेलो गाइस, तो हम लोग आ चुके हैं देवरी मंदिर और आज यहाँ पे विशेष पूजा हो रही है, शायद किसी का मन्नत है यहाँ पे। तो हम लोग यहाँ पर आए हुए हैं, अंदर मंदिर का दरवाजा बंद है तो हम लोग अंदर जा नहीं पा रहे हैं, बाहर से दर्शन कर लिया है। तो चलिए मैं आप लोगों को दिखाती हूँ यहाँ पे क्या क्या मिल रहा है, कैसा है, क्या है, सारा आप लोगों के साथ में एक्सप्लोर करती हूँ, ठीक है। हाँ तो गाइस, हम लोग मंदिर के सामने खड़े हैं और यहाँ पे हम लोग वेट कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे क्या है कि गेट बंद है और अंदर जाने दे नहीं रहा है। तो चलिए, भगवान तो हर जगह है, हम बाहर से ही दर्शन कर लेंगे, क्या फर्क पड़ता है ना। तो लेकिन हाँ, एज मैंने आप लोगों के साथ हमारे यहाँ की फेमस टेम्पल देवड़ी मंदिर का मैंने एक्सप्लोरिंग किया है और काफ़ी अच्छी जगह है गाइस। अगर आप लोग आते हैं तो यहाँ पर ज़रूर घूमने के लिए आइए। ये रांची टू जमशेदपुर के बीच में ही रूप में पड़ता है और अभी हमें यहाँ से 40 किलोमीटर और आगे जाना है। तो आप लोग सोचिए कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं और आगे। तो चलिए गाइस, मैं आप लोगों को यहाँ की और भी कुछ चीज़ें दिखाती हूँ जो जो दिखा सकती हूँ, ठीक है। हाँ तो गाइज, ये है हमारे झारखंड का प्रसिद्ध फोक म्यूज़िक। मैं वहाँ पर पास जाती हूँ और आप लोग को दिखाती हूँ कि किस तरीके से ये म्यूज़िक को बजाया जाता है और इसकी म्यूज़िक की धुन कैसी है। आप लोग भी देखिए और इन्जॉय कीजिए। हाँ तो
तो गाइज यहाँ पे चारों तरफ पे छोटी छोटी शॉप लगी हुई थी, तो मैंने सोचा चलो जाके देखना चाहिए कि यहाँ पे क्या मिल रहा है। वैसे यहाँ पे हर एक चीज़ थी गाइज, जो भी आप लेना चाहें, पूजा से रिलेटेड तो थी ही, लेकिन उसके अलावा भी लेडीज़ आइटम बहुत सारे थे। तो यहाँ पे मैं देख रही थी कि मुझे क्या क्या चीज़ लेना चाहिए, क्या क्या चीज़ की ज़रूरत है मुझे, बट ऐसी कुछ खास नीड मुझे थी नहीं। तो मैं यहाँ पर एक शॉप में गई थी अंदर, लेकिन यहाँ पे चीज़ें काफ़ी एक्सपेंसिव थी, तो इसीलिए मैं कुछ भी नहीं ले पाई गाइस। बस मैंने सोचा आप लोगों को मैं दिखा दूँ, एक्सप्लोर कर दूँ कि यहाँ पे क्या चीज़ मिलती है, क्या चीज़ नहीं मिलती। अगर इमरजेंसी है किसी को कुछ चीज़ लेने के लिए, तो वो यहाँ पे वो चीज़ को ले सकते हैं। देखती हूँ मैं कुछ खरीदती हूँ और मैं फिर आप लोगों से मिलती हूँ। हाँ तो गाइज़ यहाँ हम शॉप से निकल गए हैं और जा रहे हैं, देख रहे हैं और क्या क्या चीज़ें हैं यहाँ पे अवेलेबल। और यहाँ पर हम आए तो देखे कि एक जगह पे भोग बट रहा था, तो हमने सोचा कि चलो हमें भी लेना चाहिए, तो बस हमने भी लाइन लगा के भोग लिया। और प्रसाद तो वैसे भी लाइन लगा के ही लेनी चाहिए, है ना। और यहाँ माता की आरती, चलिए वो तो हमें नसीब हो ही गई, और साथ में प्रसाद भी। तो गाइज़ आप लोग अगर प्लान बनाओ तो ज़रूर आना इस जगह, क्योंकि ये हमारी देवड़ी मंदिर जो है वो हमारे जो क्रिकेटर हैं धोनी जी, उनकी वजह से ये फेमस हुई है मंदिर। लेकिन वाकई में ये मंदिर काफ़ी अच्छी है, काफ़ी मतलब यहाँ पे बोला जाता है कि आप जो भी मन्नत करते हो वो पूरी होती है। और मैं ये आई थिंक, मुझे लगता है कि मैं सातवीं या आठवीं बार मैं इस जगह पर आई हूँ गाइस। तो काफ़ी सुंदर जगह है और ये रांची से जमशेदपुर के बीच में ही पड़ता है, एकदम मेन रोड पर ही है। तो अगर आप अपनी ओन गाड़ी से आते हो तो बहुत ही अच्छा है, आप कहीं भी रुक सकते हो। और अगर बस से भी आते हो तो भी आप अगर बस में बोल दोगे ड्राइवर से कि मुझे देवड़ी मंदिर उतरना है, तो वो आपको खुद ही उतार देंगे। और यहाँ अब हम निकल रहे हैं, हमारे दर्शन तो हुए नहीं माँ को, लेकिन चलिए मुझे पता है कि माँ मेरे साथ हमेशा है और उन सबके साथ हमेशा रहती है जो भी उनके भक्त होते हैं, तो इसीलिए कोई फ़र्क नहीं पड़ता है दर्शन हुए ना हुए, माँ तो हमारे साथ ही हैं। लहरा के बखा के तू दुनिया भुला के राज, तुम कोई गुनगुना ले गाले तो गा के नाच, रंगीनियों में खो जा पी के पिला के नाच, पग भर नैनों से तू नैना मिला के नाच। फिर से उड़ चला उड़ के छोड़ा है जहान नीचे, मैं तुम्हारे अब हूँ हवाले, अब दूर दूर लोग बाग मिलो दूर ये वादियाँ। सर पर मैं रुका नहीं, कभी खुद से भी मैं मिला नहीं, ये गिला तो है मैं खफा नहीं, शहर एक से गांव, एक से लोग, एक से नाम, एक गाइज अभी हम लोग पहुँच गए हैं सूर्य मंदिर, जो देवड़ी मंदिर से लमसम 30 किलोमीटर और आगे है। तो हम यहाँ पर आए गाइज, लेकिन यहाँ पर मंदिर हमें क्लोज मिला, क्योंकि COVID-19 की वजह से इन लोगों ने अभी तक टेंपल को खोला नहीं है। तो बस हमने बाहर से कुछ शूट लिया और पिक्स वगैरह ली, और हम वहाँ से फिर निकलने की तैयारी में हो गए कि अब यहाँ करें तो करें क्या। और धूप भी बहुत ज़्यादा थी, तो हमें और ज़्यादा टाइम स्पेंड करना समझ में नहीं आया गाइज। तो चलिए फिर मैं गाइज, ये सूर्य मंदिर हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं, और अब वीडियो लंबा हो जाएगा, इसीलिए मैं इसे पार्ट टू में दूंगी कि आगे हम कहाँ जा रहे हैं, ये आपको नेक्स्ट वीडियो में पता चलेगा। तो आप लोग बने रहिए हमारे साथ और न्यू ब्लॉग का वेट कीजिए, ठीक है। बाय।